हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज आए हम फ्रेंड के यहाँ और यहाँ पे हमें दूध लेने के लिए ओडी मिली है। दूध लेने जा रहे हैं, अभी ओडी में घूमेंगे थोड़ी देर, फिर आज चलेंगे अपन एक नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि आप देख के आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएगी। इतनी अच्छी वहाँ वो इमारत है और वहाँ जाते ही आपको फील होगा कि हम दुबई में आ गए हैं। यहाँ की एंड आपको आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सभी व्लॉग से आज वाला व्लॉग जो होगा वो बहुत ही तगड़ा होगा, एकदम आलिशान तरह का मजा देगा। आ चुके हैं वापस अपने फ्लैट पे और अभी फ्रेंड को चाय वगैरह पिला के फ्री होकर वहाँ से आ गए अभी, और अभी चलते हैं अपन टारगेट की तरफ। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी ले चलेंगे आपको टारगेट की तरफ। और आपको देख के आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आपको आज ले जा रहे हैं। तो साथ हमारे बने रहिए और अभी चलते हैं अपन टारगेट की तरफ। तो दोस्तों, अभी निकल चुके हैं हम अपने घोड़े पे सवार होके टारगेट की तरफ। तो जब भी आपको ले जाते हैं टारगेट के पास, और आपको देख के आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मजाक की बात नहीं है, मजा आने वाला है, क्योंकि वो इमारत जो है इतनी खतरनाक है। अच्छा, उसको देख के मन मोहित हो जाता है एकदम। ठीक है, फीलिंग आती है भाई अपन दुबई में बैठे है। समझ गया। चुके हैं अपन टारगेट के पास। आप इसको बाहर से देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर से कितना सुंदर होगा। कि आपको बाहर से पूरा इसका व्यू अच्छा दिखेंगे, उसके बाद में अपन चलेंगे अंदर। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे रोक के आपको पूरा दिखाते हैं इसका बाहर का व्यू। तो ये था अपना आज का टारगेट, WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क। और ये बने हुए को इसको लगभग 11 साल हो गए हैं, और इसकी चमक देख सकते हैं आप, आज भी इतनी आलीशान है। और ये 2012 में बनाया गया था, और इसमें खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा लगा था, 350 करोड़ का खर्चा लगा था, और काफ़ी इसमें इंजीनियर वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और अंदर से बहुत ही भयानक इसका व्यू आता है, अच्छा मतलब आलिशान व्यू आता है इसका अंदर से, और बाहर से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सड़क है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी ले सकते हो। जैसे ये बैकग्राउंड में जो आएगा ना, वो यहाँ से आएगा, ये इसके जस्ट पहले ही है। और इसके अंदर जो शॉप बनी हुई है, वो कम से कम 200 के आसपास शॉप बनी हुई है। और इसका पार्किंग भी सिस्टम है इसके अंदर, और पार्किंग में लगभग 3000 प्लस गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, और बहुत ही सुंदर है। और अभी आपको अंदर ले चलेंगे, तो देखते रहिए, अभी चलते हैं इसके अंदर। अभी जा रहे हैं बाइक पार्क करने, पार्क करके फिर जाएंगे इसके अंदर। अंदर का क्या करता है तेरी तो? ये है पार्किंग, ये बेसमेंट में पार्किंग। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी पार्किंग है। बाइकों का झुंड है यहाँ पे, कार के लिए और है अलग, ये भी है और अलग भी है। यहाँ से स्टार्टिंग WTP की। कोस्टा कॉफी कैफे, यहाँ पे आपको WTP के अंदर हर ब्रांड का जो शोरूम मिल जाएगा, उसके आउटलेट मिल जाएंगे, चाहे आपके फोन्स का हो या क्लोथ्स का हो,
हर प्रकार का यहाँ पे आउटलेट खुला हुआ है। और ये है सिनेमा हॉल, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह देखने भी आ सकते हैं। इनका जो हॉल बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है अंदर से। या इमेजिन एप्पल का शोरूम है, जो जयपुर का सबसे बड़ा शोरूम यहाँ पे मिलेगा आपको WTP के अंदर। तो एप्पल के संबंधित कोई काम हो तो यहाँ पे WTP के अंदर आ जाना। ये इमेजिन है, यहाँ पे काफ़ी प्रकार के टॉयज़ है, जो आपको किसी को गिफ्ट देने हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं टॉयज़। है गेम सेंटर, तो यहाँ पे आप फन भी कर सकते हैं, टाइम पास करने के लिए गेम भी खेल सकते हैं। गेम सेंटर है ये। ये WTP के अंदर फोटोशूट पॉइंट है। ये फास्ट फूड के कैफ़े, कई प्रकार के कैफ़े मिल जाएंगे आपको। और बर्गर किंग का भी है यहाँ पे आउटलेट। यहाँ पे आधी जनता जो है वो भूखड़ आती है, गजब बेइज्जती है। मतलब जो कपल्स आते हैं ना, तो वो खर्चा करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं ज्यादातर। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसके WTP के अंदर यहाँ पे सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे आउटलेट, जिसको जो पसंद है। ये देखिए MACD का आउटलेट। ये हम एंट्री करने जा रहे हैं दुबई बाज़ार में। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है, टैटूज वगैरह जो भी आपको करवाने हो तो यहाँ पे है उपलब्ध। और शॉपिंग के लिए यहाँ पे हर प्रकार के आइटम मिल जाएंगे आपको। देख लीजिए किस प्रकार का यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, और यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। बहुत ही बड़ा मार्केट है इसके अंदर, दुबई बाज़ार के अंदर। क्लॉथ्स की यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें हैं, शॉप ज़्यादा यहाँ पे क्लॉथ्स की है, और मोबाइल रिपेयरिंग की भी है। और टैटू वाले भी भैया है इधर एक। ये ज्वेलरी है, नकली ज्वेलरी। और ये है टैटू वाले भैया, इनसे आप टैटू बनवा सकते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे आप फोटोशूट कर सकते हैं। WTP के अंदर आओ तो इस जगह ज़रूर आना, यहाँ का फोटोशूट जो है अच्छा होता है। मेरा भी यहाँ पे 2-3 पिक लिए हुए हैं। और ये है आपके मसाज करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, दुबई जैसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं। अभी और दिखाएंगे आपको। ये WTP का मेन एंट्रेंस है, और देख लीजिए कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। WTP के अंदर तो वैसे काफ़ी जगह पे फ़ोटोग्राफी आप अच्छी कर सकते हो, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफी जो करोगे वो उसकी मतलब फ़ोटो की हर कोई तारीफ करेगा। चल झूठा, देखो कितना सुंदर बना हुआ है। तभी तो WTP भी इतना खर्चा लगा है, इसी चीज़ का तो खर्चा है। ये देखो इसी का तो खर्चा है। अभी पूरा दिखाते हैं आपको। ये राउंडिंग में बना हुआ है, और इसके पीछे ये सेफ्टी है कि कोई बच्चा गिर ना जाए, इसमें कांच लगा हुआ है। और ये देखिए पब्लिक आ रही है, एक गोरी बिल्लियाँ जा रही है। कंट्रोल फॉरेनर का आउटलेट है, यहाँ पे हर प्रकार की इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाते हैं आपको। देख लीजिए ये भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे आउटलेट बहुत ज़्यादा है। लुइस फिलिप, ये आउटलेट एक, ये आउटलेट है सेलियो का, चारा का शोरूम, अपना फेवरेट। उससे मेरा क्या फायदा? पार्क एवेन्यू,
एरो, ये रेमंड, कितने सारे यहाँ पे आउटलेट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फॉरेनर भी आ रखे हैं कुछ। ये आ गए अपन नीचे फ्लोर पे, वही नज़ारा जो अभी दिखाया था। इधर साइड है आपके सारे आउटलेट। अभी जो आउटलेट बताए थे उनके ऑपोजिट साइड है, अभी पूरा नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज़्यादा अगर बताएंगे तो फिर वीडियो अपना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर कम लोग देखेंगे। काफ़ी लोगों को ज़्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी भीड़ चाल है यहाँ पे, भीड़ चाल। और अभी अपना वीडियो अपन थोड़ा ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे बड़ा। तो फाइनली अपना ये टारगेट जो है वो आज का पूरा हो चुका है। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वापस संडे को, तो संडे तक का इंतज़ार रखिएगा। और कमेंट करके बताना अगर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है तो आप बता सकते हैं, तो मैं क्या जल्दी व्लॉग डालना शुरू कर दूँ। तो अभी मैंने संडे का फिक्स रखा है, हर संडे को मैं पोस्ट करूँगा। और थैंक यू सो मच, आप मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने आए हो और आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। और सपोर्ट करते रहिए गाइस। और ये अपना जो WTP का आज का टारगेट था वो हो चुका है पूरा। कोई जयपुर की जगह हो जो देखने का मन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं अगला नेक्स्ट जो व्लॉग है वो उसी का बना लूँ जो आप बोलो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपना आज का व्लॉग कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट व्लॉग कोई लोकेशन आपकी फेवरेट है या आपको किसके बारे में जानना है तो मेरे को बता दीजिए, तो उसका व्लॉग मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए। आप देख सकते हो बच्चों का भविष्य किसे तैर रहे हैं, वो बीच वाले का थोड़ा कच्चे में समय से आप ध्यान रखना। छिपकली जैसी ताकत है इन बच्चों में, देख सकते हैं आप कैसे रेंग रहे हैं पत्थरों पे। अब वहां से छलांग मारेंगे ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो हसीन वादी आप देख रहे हैं ये अपने जम्मू की नगरी हरिभर नगरी उदयपुर की, जो कि पहाड़ों के बीच सिटी है और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आके फील होता है कि अपन जन्नत में आ चुके हैं। मैं आपके राजा सुखम सिंह के नाम पे ये दुर्ग है, तो ये दुर्ग इसलिए बनाया गया पहाड़ी में जो इनका उदयपुर की जो दो जिले है सिटी के अंदर, एक ये रही और दूसरी ये है। यहाँ पे मौसम का मजा लेते हुए बड़े भैया, और देख सकते हैं आप यहाँ पे भीड़, काफी लोग एंजॉय करने आए हैं बच्चे फैमिली के साथ, सब लोग यहाँ पे आए हैं। और ये है मेरा फ्रेंड। ये है सज्जनगढ़ फोर्ट, अंदर का व्यू है इसका सज्जनगढ़ का। ये है सुहाना मौसम उदयपुर का, और मौसम की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। और राजस्थान के ठंडे इलाकों में से एक है उदयपुर, यहाँ पे गर्मियों में बहुत ही अच्छा मौसम रहता है और जम्मू कश्मीर जैसा फील हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाइट वाइट आपको दिख रहे, ये है बादल, ये देख सकते हैं आप।
बड़ी बिल्डिंग है जो ये अभी हमारे लिए तो चुटकियों जैसी है। ये सरदारों के कबीले यहाँ पे उड़ के आए हैं। नोट कुछ भी आई सर के दो ट्रक आ चुके हैं। ये नज़ारा है फतेह सागर झील का, जो कि उदयपुर में स्थित है, सिटी में ही, उदयपुर की सिटी के पास ही है। और यह फतेह सागर झील बहुत ही बड़ी और पहाड़ों के बीच घिरी हुई। यह पिछोला झील उदयपुर की दूसरी झील, और देखते रहिए अपने साथ उदयपुर को। वेलकम है आपका उदयपुर में, मेरे साथ आपका भी। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और तड़कते बढ़ते कमेंट भी कर देना। अभी चलते हैं पिछला झील को पूरा देखते हैं। ये आ गए अपन सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की एक खास लोकेशन पे। इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने 18वीं शताब्दी में किया था, विशेष रूप से अपनी राजकुमारी और 48 जो युवतियां थी उनके लिए किया था। पापा की परियों के लिए बेस्ट लोकेशन पर यहाँ पे है। ये जगदीश मंदिर उदयपुर की शान और बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे बड़ा भव्य मंदिर है, और मेवाड़ के इतिहास में काफी योगदान है इस मंदिर का। जगदीश मंदिर का आप इतिहास में भी नाम देखेंगे, काफ़ी योगदान है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। इसके ऊपर जो कलाकृति की गई है वो बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। और काफ़ी विशाल मंदिर है उदयपुर में, सबसे बड़ा मंदिर यही है। ये शिल्प ग्राम जो कि फतेह सागर झील के पास है, और अभी शायद बंद है, बैड लक की बंद टाइम में आ गए हैं। गाय भैंसे चल रही है अंदर, समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 20-22 साल के बच्चे। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। एक गेम जोन है गेम खेलने के लिए। ये व्यू है बाहुबली हिल्स का, बहुत ही टाइम लगा है ऊपर चढ़ने में, रास्ता ऐसा ही था अटपटा सा, बहुत मेहनत करके आ गए हैं ऊपर।
मंदिर है करणी माता मंदिर, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, जो कि उदयपुर में एक पहाड़ी पे स्थित है और इसके निकट ही दूध तलाई भी है और बहुत ही सुंदर और पहाड़ी के ऊपर बनाया गया मंदिर है और इसमें ऊपर आने के लिए रोपवे का भी सुविधा है आपके लिए और 400 प्लस सीढ़ियां भी है, तो आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार से आप ऊपर आ सकते हैं माता जी के दर्शन करने। सिटी पैलेस की टिकट 300 रुपये पर पर्सन। पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस उदयपुर का निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था 1559 ईस्वी में। सिटी पैलेस में महाराजा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे यहाँ से, और उसके बाद इस महल को उनके उत्तराधिकारियों ने बहुत ही सुंदर और ज़्यादा अच्छा बनाया। ये है पूरा सिटी पैलेस, यहाँ पे कुछ दुकानें भी है शॉपिंग करने के लिए, और अभी दिखाते हैं आपको अंदर से। आजकल तो लाठी तक नहीं चलानी आती, तो देख लीजिए आप। हल्दी घाटी की पावन माटी यहाँ पे सजाई गई है। यहाँ से राजा जी अपने राज्य को देखा करते थे। इतने छोटे रास्ते, अंडे जी पूछ रहे क्या है सर, मैं कौन सा यहाँ बार बार आता हूँ। लंबे व्यक्ति यहाँ पे आए तो ध्यान से, आप लोगों के लिए ये रास्ता नहीं बना हुआ है, तो अपनी गर्दन सर बचा के ये देख लीजिए कैसे रास्ते है सिटी पैलेस में। अंदर से पूरा शीशे का बना हुआ। और जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनसे भी कृपया करके रिक्वेस्ट है कि इन रास्तों में मत आना, सिटी पैलेस को बाहर से ही देख लेना। अंदर आओगे तो पुराना महल है, नुकसान ना हो जाए कुछ।
कितने होते थे बर्तन, क्योंकि ज़्यादा लोगों को खाना बनता था इसलिए बर्तन बड़े चाहिए होते। ये सभी पुराने बर्तन देख लीजिए ध्यान से, ये है बेडरूम राजा का। 300 रुपये टिकट के है तो यहाँ पे पानी पी के जाना, कम से कम 20 रुपये का तो पानी पीना। बड़ा हरामी हो। यहाँ पे राजा बैठते थे और राजा के जो खास मेहमान थे उनको यहाँ पे बिठाया जाता था। बहुत ही सुंदर कक्ष बनाया गया है। ये अपनी राजस्थानी वेशभूषा माता और बहनों की। यह है चाय की बड़ी केटली में होता था सामान राजा रानी का। ऐसे रानी साहिबा को तैयार किया जाता था दासियों की तरफ से। ये राजशाही खेल जो कि राजा और राजा के खास मेहमानों के बीच खेला जाता था। यहाँ पे आईने ही आईने हैं। क्यों, इसका कारण पता है आपको? मेरे को भी नहीं पता। यह है पूरा सिटी पैलेस के अंदर का व्यू। यह है पुराने पत्थर मूर्तियाँ। यह है वाद्य यंत्र राजा के टाइम के। राजा जी का रथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपन आए हैं चौकी धानी, जो कि अपने राजस्थानी वर्ड है चौकी धानी, और इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं एक छोटा सा गांव भी। जो ये चौकी धानी है ये 1 एकड़ में बनी हुई है पूरी, और इसके अंदर आपको राजस्थान की कलाकृति दिखेगी, पूरी राजस्थानी पूरी संस्कृति दिखेगी इसके अंदर। मतलब यहाँ का राजस्थान का कैसा खाना होता है वो, और आपको नृत्य वगैरह काफ़ी सारे प्रोग्राम भी नाइट में दिखेंगे। और एक पूरा गाँव जैसा है इसके अंदर, आपको पूरा गांव बसा हुआ वैसा आपको दिखाई देगा। और अभी जस्ट अपन पहुंचे हैं और इसका गेट खुलता है लगभग 5 बजे के आसपास, 4-4:30 बजे आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। और अभी अपन दिखाएंगे इसकी फ़ीस कितनी है, तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि पर पर्सन की एंट्री फ़ीस कितनी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये है टिकट काउंटर यहाँ का, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे UPI भी होगा और कार्ड भी होगा और कैश भी। ये चौकी धानी का टाइम टेबल है। पर पर्सन 900 टिकट है। यहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी आपके, नाइट में होगी लगभग 6 बजे से खाना स्टार्ट होगा और 11 बजे तक जब आपका मन हो तब आप खाना खा सकते हैं। इसके अंदर सभी बाजोट लगा के व्यवस्था से खाना खिलाएंगे अभी बंदे। राजस्थान के गांवों में ऐसे पानी निकाला जाता है कुओं से,
और ऐसे किसी मेहमान को पिलाया जाता है, यहाँ पे आके मतलब बहुत ही खुश हो गया। राजस्थान की संस्कृति देखने को मिल रही है यहाँ पे, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब सजावट कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, चारपाई लगा रखी है बैठने के लिए। ये होता है गाँव में देसी सिस्टम, ये पूरा गाँव। ये गांव का रास्ता, इधर से निकलते हैं गांव की तरफ पैदल पैदल। एक एकड़ में पूरा फैला हुआ ये गांव बहुत ही सुंदर बनाया गया है, क्या ही तारीफ करें, जितनी करें उतनी कम है। बाकी आप देख सके हो आप, वही क्या है। ओहो काकी सा, खम्मागणी काकी सा, काकी सार घर जाऊं, घर देखूं काकी सारो। वाव, बिल्कुल गांव की याद आ जाएगी आप लोगों को जो गांव से है। बाकी जो बाहर से है, जो बाहर के वीडियो देख रहे हैं जिनका गांव से कोई वास्ता ही नहीं, मतलब नज़दीक में भी गांव नहीं है उनके, तो आप देख सकते हैं हमारे राजस्थान के गाँव कैसे होते हैं। देख लीजिए, ये पूरा एक घर है काकीसा का, अभी जिनको दिखाया था, और ये खाना खिलाते हुए काकीसा। क्या मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ की जो टिकट है वो बहुत ही वसूल है। जिनके सिर पे बाल कम है वो यहाँ पे मालिश वगैरह मत कराना, चंपी मालिश से बाल वापस ज़्यादा उखड़ जाएंगे। ये आगे म्यूजियम में, और यहाँ पे है बींद राजा, शादी के बाद पछताते हुए सिर नीचे कर दिया है इन्होंने, शादी करके फिर पछता गए, देखो सिर नीचे कर दिया। और इधर महारानी देखो ठाट से बैठे हैं, इसे बोलते हैं पालकी। इसमें दुल्हन को यहाँ बिठा के फिर घर से विदा किया जाता था। ये गांधी जी का चरखा, ऐसे चलाते थे गांधी जी चरखे। ये है चंग, ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र पूरे। यहाँ पे जुए निकालती हुई माता जी अपनी बच्ची के जुए निकाल रही है। ये आ गए हम डरावनी गुफा में, ओ भाई कैसी आवाज आ रही है, खतरनाक। यहाँ का रास्ता कैसा है, अजीब है, अटपटा अटपटा गुफा बनाई गई है, अच्छा प्रयास किया गया है इनके द्वारा। भैया अपन आ गए मगरमच्छ के पास। श्री महाराणा प्रताप जी,
लेकिन उन्हें क्या मिला? अब सिपाहियों को ढूंढने का हुक्म दो। वो है बड़दा गाडो और घोड़ा गाडो, बालिकाओं ने पागल बना होता जोशी जी। अभी 7 बजे का चौकी ढाणी का व्यू। बहुत ही अच्छा नज़ारा और शांत वातावरण गांव का देख सकते हैं आप, बहुत ही मजा आ रहा है। अभी क्या 7 बज गए ना, तो लाइटिंग वगैरह जो लैंप थे उनको चालू कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है गांव, देखने में मजा आ गया वास्तव में। बहुत यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको हर प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे दिखेंगे, डांस वगैरह हो गया, सभी कार्यक्रम दिखेंगे। यहाँ पे राजस्थानी भोजन का मजा लेते हुए ठाट बाट से बाजोट के ऊपर लगाया गया थाल कितना सुंदर लग रहा है। ये है रात के 8 बजे का व्यू चौकी ढाणी का, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये इसका ढक्कन तो देख के स्माइल करूँगा। तो कैसा लगा आपको ये चौकी ढाणी, एक छोटा सा प्यारा सा गांव, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और अपने व्लॉग पोस्ट का टाइम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, पिछली बार हर संडे को आता था, अब क्या है कि 4 या 5 दिन के अंदर एक न्यू व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन के निशान को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नया अपडेट होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ आप देखने आ जाइएगा और अपना प्यार बरसाइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना हर वीडियो को। और अपने चैनल पे 11 व्लॉग पोस्ट हो चुके हैं, तो जिसने भी व्लॉग नहीं देखे हैं पूरे, तो वो प्लीज़ पूरे व्लॉग ज़रूर देख लेना। और जयपुर के
हर एक फेमस जगह का व्लॉग है। तो आपको क्या है कि जब भी जयपुर आओ तो देखने के लिए आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने व्लॉग देखे है तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो आप व्लॉग को व्लॉग के सहारे आप जा सकते हैं सीधे उसी जगह पे। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक मेरा व्लॉग देखने को आए, एंड बहुत ही सारा प्यार दिया आपने। लाइक कमेंट बिल्कुल करना ही है आपको। वीडियो भी बहुत अच्छा बना है, ये अपना जो गांव था चौकी डानी बहुत ही अच्छा था देखने को, और लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना ही है आपको। हाँ मज़े आ रहे हैं। वो देखो पीछे आ रहे हैं घोड़ा, और एक साइड घोड़े पे हाथी चढ़ा हुआ है। और ये हो रही है अभी बर्फ पे चढ़ाई। ये बस मिल गया आपको कश्मीर जाने के लिए। तो कश्मीर का एक पॉइंट है बर्फीला, तो वहाँ जाने का अचानक प्लान बन गया है। तो अभी बैठ गए बस में। जम्मू से श्रीनगर के लिए बसें बहुत कम हैं, तो हमने अभी टैक्सी की है और पीछे बैठना पड़ता है देखो लंगूरों की तरह। अभी दिखाता हूँ आपको फुटबॉल का ग्राउंड, ये ग्राउंड आगे देखो। ये है अटल टनल जो कि हाल ही में बनाई गई है बीजेपी द्वारा, और ये 16 किलोमीटर की लंबी सुरंग है एक, जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत ही काम आ रही है। काफ़ी लंबी है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। फाइनली बुरा सफर करके पहुंच चुके हैं श्रीनगर। मेरी बर्फियां बढ़ रही है इधर तो यार, ठंड बहुत बढ़ रही है। ये नजारा श्रीनगर का, और श्रीनगर अभी पूरा नहीं घूमेंगे क्योंकि इसके पास जो है गुलमर्ग, वो एक बर्फीली जगह है, बहुत ही सुंदर है और प्रसिद्ध है। तो अभी वहाँ जाने का प्लान है, वहाँ चल के फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। और हमने स्टे किया है श्रीनगर में, और यहाँ पे रेंट लगभग होटलों का रहेगा 1500 के आसपास, 1500 या 1400 के नीचे कोई रेंट पे रूम नहीं देता है। तो हमने जल्दबाजी में ले लिया क्योंकि रात को बहुत लेट पहुँचे थे, लगभग 8 या 9 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो सर्दी भी बहुत थी क्योंकि हम जो जैकेट वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं लाए, कोई भी जैकेट वगैरह नहीं लाया, क्योंकि हमारा प्लान था वैष्णो देवी जाने का, उसके बाद आगे का कोई प्लान नहीं था। बट क्या है कि सर्च किया ना ऑनलाइन तो फिर यहाँ आ गए, क्योंकि मन हो गया बर्फीली जगह में घूमने का, तो इसलिए आगे बढ़ गए। और यहाँ पे एक दिक्कत है आने से पहले ध्यान रखना कि यहाँ जब भी आओ तो जम्मू कश्मीर में यहाँ आपको सिम दूसरी उठानी पड़ेगी, यहाँ की लोकल सिम, क्योंकि आपकी जो सिम होगी अदर स्टेट की वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा आपके, तो आपके बहुत ही ज़्यादा समस्या रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे आते ही एक सिम ज़रूर ले लेना, और कहीं भी घूमने जाओ जो ज़्यादा लोगों का भीड़ का इलाका हो तो उसमें जितने भी आपके ग्रुप हो तो एक साथ रहना, क्योंकि यहाँ घूम जाने पे थोड़ा क्या है ढूंढना किसी को आसान नहीं रहता है। ये है लाल चौक का घंटाघर। पूरा पहाड़ चढ़ना, विंटर में ये पूरा व्हाइट होता है, आज ग्रीन दिखेगा
विंटर में भाई ये नज़ारा है गुलमर्ग का, कश्मीर का एक गुलमर्ग है। और यहाँ पे अभी गर्मियों में देख लीजिए आप कितना अच्छा मौसम है सुंदर। और ये जो जा रहे हैं वाइट ये है बादल, और उधर पहाड़ों पे है बर्फ। तो यहाँ से घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा, बाकी पैदल तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से 14 किलोमीटर है। अगर आप सर्दियों में आते हो तो यहाँ पे बर्फ़ नीचे मिल जाएगी, पर गर्मियों में आते हो तो आपको 14 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा। और एक घोड़े का रेट है यहाँ पे 3500 रुपये। और ये घोड़े तो नाम क्या है, खच्चर है। ये देख लीजिए बादलों से ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे बनते हैं बादल। और ये है पौधे, यहाँ पे ये पौधे आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई देंगे। और अगर आप सर्दियों में आते हो तो यहाँ पौधों पे भी आपको बर्फ़ दिखाई देगी। ये चढ़ गए घोड़ों पे, अभी घूमेंगे पूरा गुलमर्ग। ओहो भाई एक्सीडेंट कर दिया। ओहो क्या मौसम है, मजे आ रहे मजे। मजे आ रहे हैं भाई, मजे आ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कैसे मजे आ रहे हैं हम लोगों को घोड़े पे बैठ के, और बादल बिल्कुल शरीर के अंदर से जा रहे हैं। हम अभी स्वर्ग में आ चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं हम। देख लीजिए ये बादल, ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ये है बादल यहाँ के। और यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है, ये किस कारण हुआ है पता है आपको? क्योंकि एक घोड़े के ऊपर मोटा था हाथी, वो इसके ऊपर से चला गया। और यहाँ पे आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा पौधों के ऊपर। ये पौधे का क्या नाम है भैया, ये पौधे का क्या नाम है? पाइन पता नहीं कैसा, आप आओ तो पूछ लेना सबसे। ये जा रही है छोटी पाइन ट्री। और इन पे अभी थोड़ी टाइम बाद बर्फ जमेगा जब ज्यादा सर्दी होगी। ये जो प्लेन है ये अभी दिख नहीं रहा, लेकिन और बर्फ है। अच्छा, एशिया का नंबर वन क्या है? 18 होल गल्फ। अच्छा 18 होल, ये एशिया का नंबर वन है। ये पीछे मेरी सेना आ रही है, मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ घोड़े पे। एडवेंचर ही एडवेंचर है। और मैं सबसे चल रहा हूँ आगे, और बाकी सभी साथी है पीछे, क्योंकि मेरे को अभी लीडर बना दिया है इन सबका, तो सभी पीछे रह गए हैं। और ये देखो ऐसे झरना पार करना पड़ेगा, बेचारे घोड़ों की क्या हालत होती होगी यही जाने। ये डूब चुका है, आधा डूब चुका है इसके अंदर। और थक गए हैं बाकी, अभी पड़ गए हैं इन पे परांठों पे, सांड पड़ चुके हैं। अपना टारगेट है वहां पे जाना है अपन को बर्फ पे। तो ये है रास्ता देख सकते हैं आप, ये रहे अपने घोड़े। ये रास्ता घोड़ों का बर्फीली जगह पे जाने का, तो घोड़े पे बैठो तो संभल के। चौदह किलोमीटर की चढ़ाई करके आ चुके हैं अपन फाइनली ऊपर। ये देख लीजिए नजारा, स्वर्ग आपको लग रहा है ना स्वर्ग, यही है स्वर्ग। ये व्हाइट जो दिख रहा है आपको, ये है बर्फ। इतनी सर्दी है कि यहाँ पे बर्फ चल रहा है।
ये देख लीजिए बर्फ, वाह क्या नजारा है, मजे आ रहे हैं। ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर और यहाँ पे बर्फ कुछ पिघल रहा है जो पानी जा रहा है। ओ यहाँ पे स्लिप होने का बहुत डर रहता है तो यहाँ पे सावधानी से चलना पड़ेगा अपन को। और ये इधर है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, अभी देखते हैं नज़ारा बर्फ का पूरा। ओ भाई ठंडी बहुत लग रही है यहाँ पे, गर्म कपड़े पहन के आना आप लोग, ऐसी तैसी हो रही है यहाँ पे। और ये आ चुकी है टीम, मदन सिंह, करणवीर सिंह और उधर आ रहे भैरू सिंह, सारे लोग आ रहे हैं। आहा मजे आ गए भाई साहब, क्या बताऊं जन्नत, बहुत मन था कश्मीर आने का, आखिरकार पूरा हो गया काफ़ी टाइम बाद। जब कश्मीर फाइल्स देखी थी तो उसमें देखा था कितना सुंदर है कश्मीर, तभी मन हो गया था। अब देखो यहाँ ऊपर चढ़ाई करनी है अपन को, वहाँ तक जाना है। और सर्दी तो पूछो ही मत क्या हाल है, दिख रही होंगे आपको तो, लाल टमाटर जैसा जो है बर्फ के कारण ज़्यादा सर्दी के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और सर्दियों में आपका खर्चा बिल्कुल कम होगा क्योंकि घोड़े वाला जो है वो एक दिन का लगभग 5-6 हज़ार रुपये ले लेता है। छह पहले से यहाँ पे घूमने लायक 6 जगह है तो आपको 6 जगह घुमाएगा तो उसके लिए 5-6 हज़ार रुपये ले लेगा वो घोड़े वाला। अगर सर्दियों में आओगे भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सावधानी से आना और ट्रिप बनाओ तो प्लानिंग के साथ, हम तो आगे थे बिना प्लानिंग के तो थोड़ा घूमने का मौका मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट, ये गंदा कर दिया मच्छरों ने। अभी जा रहे गाइस वापस, बहुत ही ठंड लग रही है। ये खड़े हैं घोड़े, अभी निकलेंगे इन पे वापस। सभी यहाँ पे बर्फ में एकदम गल चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, वहाँ पे झुंड है, बर्फ की बारिश शुरू हो गई है। ये देखो बर्फ, मजा आ रहा है। भाई साहब मजे के साथ डर भी बहुत लग रहा है। देखो रास्ता, एडवेंचर। तीसरा पॉइंट है झरना, लाइन वाइज लाइन, सब टूरिस्टर है, सभी आए हैं जन्नत का मजा लेने के लिए। ये है रोप वे, तो आप लोगों को अगर रोप वे से जाना है तो थोड़ा कम में पड़ेगा, तो आप टिकट ऑनलाइन करवा सकते हैं जिससे कि आप सीधा ऊपर इससे जा सकते हैं बर्फ के पास, और घोड़े का थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए आप रोप वे की टिकट करवा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि 7-8 दिन पहले करवानी पड़ती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, गर्मियों में 12 महीने भीड़ चलती रहती है, इस हिसाब से आपको थोड़ा पहले कराना पड़ेगा।